हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट अब रेगुलरिटी से मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगी, क्योंकि सबको पता है कि नीट का पेपर जो है वो डिसाइड हो चुका है, 1 अगस्त को होना है। और कंपटीशन में बच्चे काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो मैं आपकी जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी उतनी करूँगी मैं। तो आपको भी मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जितना मैं आपको करवाऊँगी आप उतना अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों 11th क्लास ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th में। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पूरी यूनिट है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। जितना मैं आपको करवाऊंगी उतना आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर रेगुलरिटी से आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर है हमारा। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो है उसमें पहले टॉपिक जो है मैं टिथ का टॉपिक करवाऊंगी आपको। पहले हम टिथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ टिथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे उसका, बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसमें टिथ के बारे में, और टिथ को कैसे डिवाइड किया हुआ है, किस बेस पे उसका डिवीज़न हुआ है वो कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो है हमने डिवीज़न कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ टिथ, ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ टिथ। सेट ऑफ टिथ के बेस पर कितने टाइप के होते हैं टिथ? तो फर्स्ट है बच्चों मोनोफायडोंट। मोनो, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। इफ ओनली वन सेट ऑफ टिथ इन एंटायर लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में अगर सिर्फ एक सेट ऑफ टिथ ही प्रेजेंट हो तो उसको हम मोनोफायडोंट बोलते हैं। अब ऐसा किस में होता है? ऐसा वेल के केस में है, प्रोटोथीरियंस इनमें ऐसा होता है, ओनली वन सेट ऑफ टिथ प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है हमारा वो है डायफोडोंट। डायफोडोंट, डाया का मतलब टू, मीन्स टू सेट्स ऑफ टिथ प्रेजेंट इन लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में टू सेट ऑफ टिथ प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम डायफोडोंट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग जो हैं उनके पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। ऐसे ही क्या है एप, इनमें भी सेम ऐसे ही होता है, मॉन्की इनमें भी ऐसे ही होता है। तो डायफोडोंट जो है इनमें क्या होता है कि टू सेट ऑफ टिथ प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ टिथ। एक थर्ड टाइप और है इसमें बच्चों, थर्ड टाइप जो है हमारा इसमें वो है पॉलीफायडोंट। मैनी
sets of teeth present in your life. पूरे लाइफ टाइम में दांत जो हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, नए आते रहते हैं. तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है फिशेस के केस में. ओके, तो ये हमने पढ़ा है सेट्स ऑफ टीथ के बेस पर. टीथ जो हैं वो हमारे कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अब नेक्स्ट जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ. On the basis of shape of teeth. Shape के according teeth कितने type के होते हैं? First, homodont. ऐसे organism जिनमें बिल्कुल identical teeth present होते हैं. Homodont means identical teeth प्रेजेंट होते हैं. ऐसा किस में होता है? ऐसा रेप्टाइल्स में होता है, ऐसा फिशेस में होता है. सेकंड जो है वो है हमारे हिट्रोडोंट. हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर शेप्स ऑफ टीथ. टीथ के क्या है? अलग अलग शेप है. ऐसा किस में है? एग्जाम्पल हम इसमें दे देंगे, ह्यूमन बींग में ऐसा होता है, है ना. अब ह्यूमन बींग में क्या है, जो टिथ हैं उनकी शेप अलग अलग होती है, अलग 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 स्ट्रक्चर है हमारे में. फोर टाइप के होते हैं ना टिथ हमारे में. तो ह्यूमन बींग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग में फोर अलग अलग शेप के टिथ हैं. फर्स्ट जो है वो है इनसीजर. सेकेंड जो है वो है कैनियंस. थर्ड जो है वो है प्रीमोलर. और फोर्थ जो है वो है मोलर. ओके, ये होते हैं इनसीजर, कैनियंस, प्रीमोलर एंड मोलर. अगर इनसीजर्स की बात हम करें तो इनसीजर्स जो हैं इनको कटिंग टिथ बोलते हैं. ये कटिंग का काम करते हैं. रैबिट के अंदर ये मोर डेवलप होते हैं. आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनसीजर्स को. सेकेंड जो है हमारे वो कौन से हैं? कैनेंस. सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. टीयरिंग, टीयरिंग टिथ. कार्निवोर्स के अंदर ये मोर डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड जो है वो है हमारे प्रीमोलर. प्रीमोलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. ग्राइंडिंग का काम होता है इनका, प्रीमोलर का. और लास्ट जो है वो है मोलर. मोलर को एम से लिखा जाता है. इसका काम क्या होता है मोलर का? ग्राइंडिंग का. तो ये फोर डिफरेंट टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग के केस में. अब इसी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग का डेंटल फार्मूला देख रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो डायफोडोंट हैं. टू सेट ऑफ टिथ प्रेजेंट होते हैं, एक मिल्की टिथ होते हैं और एक परमानेंट टिथ होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मिल्की टिथ की बात कर रही हूँ. मिल्की टिथ या फिर जिसको और क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी टिथ, टेम्परेरी या मिल्की. डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मिल्की टिथ का क्या होगा ये देखो एक बार. ये इस तरह से हमने टिथ के सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है. अब इनमें से हमारे ये वाले सबसे आगे वाले होते हैं इनसीजर, फिर कैनेंस, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर. नीचे की तरफ भी ऐसे ही है, इनसीजर, कैनेंस, प्रीमोलर एंड मोलर.
ये क्या है, अपर सेट, अपर सेट, और ये हमारा लोअर, लोअर सेट ऑफ टिथ। तो डेंटल फार्मूला फॉर चाइल्ड 2102/2102। अब ये टू सेट क्या है इसके अंदर, इनसीजर। वन क्या है इसमें, कैनीन। ज़ीरो क्या है यहाँ पे, प्री मॉलर। और टू क्या है यहाँ पे, मॉलर। तो ये है मिल्की टिथ। तो टू और वन थ्री और टू फाइव, तो मतलब क्या है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो टेन टिथ जो हैं वो तो प्रेजेंट हैं अपर सेट पे, और टेन कहाँ पर हैं, लोअर। टेन अपर एंड टेन लोअर, तो टोटल जो टिथ जो हैं चाइल्ड के वो कितने होते हैं, 20। तो डेंटल फार्मूला फॉर चाइल्ड 2102/2102, तो टोटल कितने हो गए, 20 टिथ। अगर हम बात करें यहाँ पे अडल्ट डेंटल फार्मूला, तो अडल्ट का जो डेंटल फार्मूला है वो क्या होगा, आपने सबने पढ़ रखा है ये पहले भी, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला। अडल्ट डेंटल फॉर्मूला हमारा होगा 2102/2102। अगेन सेट ऑफ टिथ हमने नीचे देख ही लिया है, तो किस तरह से है इसमें, इनसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इनसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अब यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 पेयर्ड फॉर्म में है, तो 16 हो गए हमारे अपर अपर सरफेस पे और 16 हो गए लोअर, तो टोटल जो है वो हमारे कितने हो गए, 32 हो गए। कितने हो गए, 32 हो गए। अब एक ध्यान से एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा था कि भाई मिल्की टिथ जो हैं वो 2102 मतलब बच्चों के अंदर प्री मॉलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाद में जब मिल्की टिथ हट जाते हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, वो हट गए, उसके बाद अडल्ट में आ गए परमानेंट टिथ। अगर परमानेंट हैं, अगर वो रिप्लेस हो गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे। अब तो यहाँ पर प्री मॉलर आए, तो इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए, ध्यान से सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी, अगर हमसे कोई ये पूछ रहा है कि भाई ह्यूमन बींग में मोनोफायोडोंट टिथ कौन सा है, ह्यूमन बींग में मोनोफायोडोंट टिथ कौन सा है, ऑफकोर्स मोनोफायोडोंट कौन सा हुआ, जो लाइफ में एक ही बार आता है। तो भाई लाइफ में एक ही बार जो है वो कौन सा आ रहा है हमारा, एक ही बार कौन सा आ रहा है, यहाँ पे तो था ही नहीं, ये था यहाँ पे। तो ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग्स के केस में मोनोफायोडोंट टिथ कौन सा है हमारा, प्रीमोलर है। कौन सा है, प्रीमोलर है, प्रीमोलर, और बोल सकते हैं लास्ट मोलर, प्रीमोलर, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम, लास्ट मोलर, जो हमारा लास्ट मोलर टिथ है उसको बोलते हैं विजडम टिथ, उसको बोलते हैं विजडम टिथ। और जो ये विजडम टिथ है ये 18 ईयर्स के बाद ही दिखाई देना शुरू होता है, 18 ईयर्स के बाद ही ये जो दांत है ये आने शुरू होता है हमारा, तो विजडम टिथ बोलते हैं। ये भी बाद में ही आया तो इसको भी मोनोफायोडोंट बोलेंगे, और प्रीमोलर चाइल्ड में नहीं था, अडल्ट में आया है, तो इसको भी मोनोफायोडोंट बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि भाई प्रीमोलर और लास्ट मोलर टिथ, जिसका नाम क्या है, विजडम टिथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। हमने क्या कर दिया बेटा,
डिवीज़न कर दिया फिर से टिथ का, किसके बेस पर, जो हमारे टिथ हैं उसकी अपर बाउंड्री जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है उसके बेस पर। सो फर्स्ट जो हैं वो हमारे इसमें आएंगे ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट। सेकंड आएंगे हमारे इसमें शीनोडोंट। थर्ड सोलिनोडोंट एंड लास्ट लोफोडोंट। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प, तो फर्स्ट जो है वो है हमारे ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट जो है ये हमारे कौन से हुए, ब्लंट अपीयर ऑन द टिथ। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ब्लंट। अब ऐसे जो टिथ हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग में। सेकंड जो है वो है हमारे शीनोडोंट, शीनोडोंट, शीनोडोंट जो है इसमें होते हैं पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड किस तरह से, इस तरह से शार्प होंगे काफ़ी। अब ऐसा किस में होगा, ऑफ कोर्स कार्निवोर्स में होगा ऐसा। थर्ड जो है वो है हमारे सोलिनोडोंट, सोलिनोडोंट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा क्रिसेंट शेप, तो ऐसा हाफ मून लाइक, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसी शेप जो है, इस तरह की जो शेप है, इस तरह की हाफ मून लाइक, वो किस में प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स। और लास्ट है हमारे लोफोडोंट, लोफोडोंट में रिजिज बने होते हैं कुछ इस तरह से ऐसे। और ऐसा केस जो है वो किस में है, एलिफेंट। ओके, तो ये हमने पढ़ा है कि भाई टिथ जो है उनका डिवीज़न किया हुआ है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कस्प। तो ब्यूनो, शीनो, सोलिनो, लोफोडोंट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टिथ, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टिथ। अब टिथ के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, अब देखो हमारे टिथ जो है बेटा उनकी अटैचमेंट किसके साथ है, ऑफ कोर्स बोन्स के साथ है, बोन्स के साथ है। अपर जो है हमारे बोन्स मैक्सिला, लोअर जो है मैंडिबल, तो टिथ जो है वो इनके अंदर क्या है, फंसे हुए हैं, अटैचमेंट है उनके साथ। एक आपको टर्म याद रखनी है, गैप बिटवीन द टिथ कॉल्ड डायस्टीमा, गैप बिटवीन द टिथ कॉल्ड डायस्टीमा। जैसे हम बात करें रैबिट की या फिर हर्बीवोर की बात करें, तो हर्बीवोर में इनसीजर्स जो हैं उसके बाद सीधा प्रीमोलर टिथ मिलेंगे, मतलब कैनिन्स जो हैं उसमें, कैनिन्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते क्योंकि कैनिन्स की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो गैप आ गया ना इनसीजर और प्रीमोलर के बीच में,
तो उस गैप को क्या बोलते हैं? डायस्टीमा बोलते हैं. ओके, सो देखते हैं यहाँ पे. ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टिथ, टिथ जो है उनका अटैचमेंट किस तरह से है? बोन के साथ है बेटा. तो बोन जो है वो कौन सी होती है? एलिवॉलर बोन. कौन सी है? एलिवॉलर बोन. ठीक है, इसके साथ अटैचमेंट होता है. तो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया है? फर्स्ट है हमारे एक्रोडोंट. एक्रोडोंट इट इज़ द सुपरफिशियल अटैचमेंट. इट इज़ द सुपरफिशियल अटैचमेंट ऑफ टिथ. मीन्स जो दांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सुपरफिशियल. ऊपर ऊपर से सिर्फ अटैच्ड है, नीचे तक वो पूरी तरह से अटैच्ड नहीं है. तो ऐसा किस में है? फिशेस में ऐसा होता है. और इसीलिए हमने फिशेस को और किस कैटेगरी में रखा था? पॉलीफायोडोंट में. पॉलीफायोडोंट का मतलब क्या था? कि भाई पूरे लाइफ टाइम में दांत जो है वो रिप्लेस होते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं, फिर से रिप्लेस हो जा रहे हैं, फिर से नए आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल अटैचमेंट होता है, बहुत जल्दी क्या होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर नए भी आ जाते हैं. सेकेंड जो है वो है प्लूरोडोंट. वन पॉइंट अटैचमेंट, या फिर बोल सकते हो वन साइड अटैचमेंट. वन साइड जैसे टिथ जो है इसका सिर्फ एक ही तरफ से यहाँ पे अटैचमेंट होगा, एक ही तरफ से होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं रिप्टाइल्स का. थर्ड जो है वो है हमारा थीकोडोंट. थीकोडोंट, थीकोडोंट क्या होता है? इट इज़ द परमानेंट अटैचमेंट ऑफ टिथ विद बोन, या फिर बोल सकते हैं एम्बेडेड स्ट्रक्चर ऑफ टिथ विद बोन. बोन के साथ टिथ जो है वो पूरी तरह से क्या है? फंसे हुए हैं. तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं थीकोडोंट. ह्यूमन बींग में ऐसा होता है, ह्यूमन बींग के केस में ऐसा होता है. तो ये हमने अलग अलग बेसिस पढ़े हैं ऑर्गेनिज्म के, जिनमें टिथ अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होते हैं. शेप के अकॉर्डिंग होते हैं, सेट ऑफ टिथ के अकॉर्डिंग होते हैं, शेप ऑफ कस्प के अकॉर्डिंग होते हैं, अटैचमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन डेंटेशन जो है वो क्या कहता है. ह्यूमन डेंटेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन टिथ जो है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, कैसे होते हैं. ह्यूमन बींग जो है उसके टिथ कैसे होंगे? हिट्रोडोंट. फोर टाइप के होते हैं ना अलग अलग. और कैसे होंगे? डायफोडोंट. पूरे लाइफ में दो बार दांत आते हैं ना, पहले मिलके फिर परमानेंट. और कैसे होंगे? म्यूनोडोंट, बीच में ब्लंट प्रेजेंट होता है. और कैसे होंगे? थीकोडोंट, परमानेंट अटैचमेंट होगा. तो ये है ह्यूमन डेंटेशन. हिट्रोडोंट अलग अलग शेप के होते हैं. डायफोडोंट पूरे लाइफ टाइम में टू सेट्स ऑफ टिथ प्रेजेंट होते हैं. ब्यूनोडोंट टिथ जो है उनमें बीच में ब्लंट प्रेजेंट होता है. थीकोडोंट परमानेंटली एम्बेडेड होते हैं सॉकेट में, मतलब बोन्स के साथ. ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर है. अगर आपको बीच में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो. नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ,
अब टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलहाल हमने अभी अभी पढ़ा है कि दांत जो है वो बोन्स के साथ चिपके होते हैं, है ना, बोन्स के साथ, एलिवॉलर बोन। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बोन का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बोन का पार्ट है। हमारे जो दांत होते हैं बेटा, हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसको। फर्स्ट पार्ट जो है उसका, फर्स्ट पार्ट ये जो हमें दिखाई दे रहा है पूरा वाइट कलर का पार्ट जो है, क्राउन। सेकेंड पार्ट है ये नेक, और थर्ड पार्ट है ये जो दिखाई ही नहीं देता, गम के अंदर होता है, रूट। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्राउन, नेक एंड रूट। और ये कौन सी है? एलिवॉलर बोन। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये बाहर वाला, ये क्राउन वाला, क्राउन जैसी शेप लग रही है ना हमें इसकी, तो ये क्राउन पार्ट है। अब ये जो क्राउन वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे वाइट कलर की कवरिंग प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हो व्हाइट कलर के सब्सटेंस की कवरिंग प्रेजेंट है। सिर्फ अपर क्राउन वाले पार्ट पे, और जो व्हाइट कलर की लेयर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एनामेल, इसको बोलते हैं हम एनामेल लेयर। और एनामेल जो है ये हमारी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, दांत का सबसे हार्ड पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड काफ़ी एसेंशियल होता है इनामल के फॉर्मेशन के लिए, बट फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होगा? टूथ मॉटलिंग, मतलब दांत जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, दांत जो है वो कैसे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे अगर फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा हो गया तो। तो ये पार्ट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, इनेमल बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा सिर्फ क्राउन वाले पार्ट में। अब इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। कौन सी सेल प्रोड्यूस करवाती हैं? एमीलोबास्ट सेल, एमीलोबास्ट सेल जो है वो इनेमल का प्रोडक्शन करवाती हैं। केमिकली, केमिकली इनेमल जो है इसका जो नेचर है केमिकली उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इट इज़ द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इट इज़ द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट।
हाइड्रोक्सी एपेटाइट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप इसको नोट कर लो। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो ये लेयर है वो है इनेमल, जो पूरे बॉडी में सबसे हार्ड होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की होती है, फ्लोराइड की बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। फ्लोराइड काफ़ी ज़रूरी है इनेमल के लिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है तो उसकी वजह से होता है टूथ मॉटलिंग, मतलब टिथ जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। कौन सी सेल इसका फॉर्मेशन करवाती हैं? एमिलोबास्ट सेल। और केमिकली इसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्या है? क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। व्हाइट कलर का शाइनी पार्ट होता है ये। अब ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर। और जस्ट सीमेंटिंग लेयर जो है उसके बाहर की तरफ, जो ब्लू से दिखा रही हूँ मैं आपको, इसके बाहर भी एक कवरिंग है, इधर भी बाहर भी इसके क्या है, एक कवरिंग है, एक लेयर है, जिसको बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन मतलब पूरा ये बोन वाला पार्ट जो है उसको भी कवर कर रखा है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन ने। यहाँ पे ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, इधर भी हमें ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, दोनों तरफ जो ये ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है इस ओपनिंग को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। ओके, उसके बाद है फिर सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो है वो है हमारी ये, सेकेंड लेयर जो है वो पूरे के पूरे टिथ में प्रेजेंट होगी, पूरे में प्रेजेंट है ये। सिर्फ फर्स्ट जो थी हमारी वो सिर्फ क्राउन वाले पार्ट में ही थी, और ये सेकेंड जो है ये पूरे में प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ अलग से सेल दिखा दी हैं हमने, इधर ये सेल हैं, ये सेकेंड लेयर है, जिसका नाम है डेंटाइन। सेकेंड लेयर का नाम है डेंटाइन। तो डेंटाइन लेयर जो है डेंटाइन लेयर, इसका मीजोडर्मल ओरिजन होता है। मीजोडर्मल ओरिजन किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। कौन सी सेल बनाती हैं? ओडेंटोब्लास्ट। कौन सी सेल बनाती हैं? ओडेंटोब्लास्ट, ये सेल है ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट ये फॉर्मेशन करती है डेंटाइन लेयर का। सो डेंटाइन लेयर क्या है? नॉट मच हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एनामल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये सेकेंड लेयर है, फर्स्ट इनेमल, सेकेंड डेंटाइन। थर्ड जो है वो है हमारा ये वाला पूरा पार्ट, ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है,
और पल्प कैविटी में प्रेजेंट हैं हमारी नर्व फाइबर प्लस ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर एंड ब्लड वेसल्स। ये जो ग्रीन से बनाया है मैंने वो नर्व फाइबर को दिखाया है, ये नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर सेंसेशन के लिए। और जो रेड से बनाया है ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई के लिए। तो पल्प कैविटी, पल्प कैविटी जो है इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या है, नर्व फाइबर भी है और क्या है, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा टूथ का स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये पार्ट जो है वो वाइट वाला पार्ट होता है जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है, क्राउन शेप का है इसलिए क्राउन पार्ट। बीच वाला ये पार्ट नेक वाला, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जो कि गम के अंदर फंसा हुआ है, इसको हम पूरे को रूट वाला पार्ट बोलते हैं। और ये बोन है इधर। अगर हम लोअर टीथ की बात करें तो लोअर में हमारी मैंडिबल होगी बोन, और अगर अपर की बात करें तो हमारी मैक्सिला होगी। तो ये बोन प्रेजेंट है यहाँ पर। फर्स्ट कवरिंग एनामल सब पढ़ लिया हमने। हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड का बना होता है। फ्लोराइड ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ तो टूथ मॉटलिंग हो जाएगी। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, एमिलोबास्ट सेल फॉर्मेशन करती हैं। केमिकली इसका नेचर हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सेकेंड जो है वो डेंटाइन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ओडेंटोब्लास्ट सेल जो हैं वो इसका फॉर्मेशन करवाती हैं, और ये भी कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है। थर्ड जो है वो है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी ये पूरा पार्ट जो है वो भरा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें नर्व फाइबर हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं इसके अंदर। तो और ये बीच में जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में अपना करेंगे डिस्कस। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से एक बार पढ़ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को आ रही है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। तो आई थिंक आप अच्छे ढंग से इसकी प्रिपरेशन करोगे, और जो आपने अपना टारगेट बना रखा है नीट के लिए, अगर आप ऐसे ही तरीके से पढ़ते रहोगे, ढंग से पढ़ते रहोगे, तो आप अपना टारगेट ज़रूर पूरा करोगे। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बहुत टाइम से अगर वीडियो में गैप आ रहा था बट अब नहीं आएगा, तो रूटीन से हम पढ़ेंगे, आप भी रूटीन से साथ साथ में काम करोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।